नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जून, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज पीएम मोदी करेंगे पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। अरहर और गेहूं की कीमतों पर काबू रखने के लिए स्टॉक सीमा तय। 17 मिनट फास्ट हुई बिहार पुलिस। बिहार के इस युवक का नाम शामिल हुआ फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में। रोहित के बाद टीम इंडिया के कप्तान को लेकर सुनील गावस्कर ने इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएटीएस में तकनीशियन अप्रेंटिस के 750 पदों पर भर्ती। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के द्वारा तकनीशियन अप्रेंटिस के कुल 750 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग पदों के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से किसी भी शाखा में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। तो वहीं टेक्नीशियन पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mhrdnats.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज पीएम मोदी करेंगे पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। आज यानी कि 27 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि इस ट्रेन की पहली यात्रा यात्रियों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। वहीं अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात करें तो यात्रियों को चेयर क्लास में सफर करने के लिए 1175 रुपए चुकाने होंगे, तो वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने के लिए 2110 रुपए चुकाने होंगे। मालूम हो कि ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से रांची से पटना के बीच की दूरी महज 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। बता दें कि आज पीएम मोदी के द्वारा रांची से गाड़ी संख्या 02439 रांची पटना वंदे भारत का उद्घाटन 10:30 बजे किया जाएगा और वह पटना जंक्शन 5:25 बजे पहुंचेगी। वहीं अगर 28 जून की टाइमिंग की बात करें तो गाड़ी संख्या 22349 पटना रांची वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से 7 बजे खुलकर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं वापसी में 28 जून को गाड़ी संख्या 22350 रांची पटना वंदे भारत ट्रेन रांची से 4:15 बजे खुलकर 10:05 बजे पटना पहुंचेगी। बिहार में 3 स्टेट हाईवे की बढ़ेगी चौड़ाई। बिहार में 1,131.19 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। बता दें कि 3 स्टेट हाईवे की लंबाई करीब 143.119 किलोमीटर है, जिसे वर्ष 2025 तक करीब 7 से 10 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। बता दें कि ऐसा करने पर बिहार के 4 जिले के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही नेपाल सीमा तक जाने में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में शुरू कर दिया गया है। मालूम हो कि जिन 3 स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है वह SH 99 BC बहादुरगंज दिघल बैंक, SH 103 मंझवे गोविंदपुर और SH 105 बेतिया नरकटियागंज हाईवे शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम दुलारी सिन्हा के बारे में। राम दुलारी सिन्हा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यपाल थी। वो बिहार से राज्यपाल नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला रही तथा भारतवर्ष में चंद उन महिलाओं में से है जिनकी केरल के राज्यपाल पद पर नियुक्ति हुई। वे इस पद पर 23 फरवरी 1988 से 12 फरवरी 1990 तक रही। बता दें कि वह पहली बार 1952 में बिहार विधानसभा की सदस्य बनी। 1962 में पटना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार सांसद बनी। 1969 में बिहार विधानसभा की सदस्य बनी। 1971 से 77 तक बिहार सरकार में राज्य कैबिनेट मंत्री पर रही। 1980 में सवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनी। 1980 से 84 तक केंद्रीय राज्य मंत्री बनी रही। 1984 में सवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बनी। 1984 से 88 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रही और 1988 से 1990 तक वह केरल की राज्यपाल रही। बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। राज्य के 2.5 से 3 लाख शिक्षक कक्षा में बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इन शिक्षकों को भाषा और अंक गणितीय ज्ञान की बारीकियां, पढ़ाने के तरीके को प्रभावी कैसे बनाया जाए और साथ ही डिजिटल उपकरण व कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि विभाग की ओर से इस ट्रेनिंग की जिम्मेदारी SCERT को सौंपी गई है। ऐसे में SCERT की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और साथ ही एक शेड्यूल भी तैयार किया गया है, जिसके तहत यह ट्रेनिंग कक्षा 1 से 10 तक के शिक्षकों को 80 से 90 शिक्षकों की ग्रुप बनाकर दी जाएगी। मालूम हो कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जुलाई महीने से की जाएगी। बता दें कि यह समुचित कवायद नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है।
आज 27 टॉपरों को राज्यपाल करेंगे गोल्ड मेडल से सम्मानित। आज यानी कि 27 जून को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीजी सत्र 2020-22 के 27 टॉपर्स विद्यार्थियों को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दीक्षांत समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए इन विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है जो किसी भी विषय में टॉप प्रथम से लेकर 35वां स्थान पर है। मालूम हो कि इन सभी विद्यार्थियों को कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह के द्वारा डिग्री प्रदान की जाएगी। बता दें कि दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसके तहत छात्रों को कुर्ता पायजामा और छात्राओं को लेमन पीला साड़ी जिसमें लाल बॉर्डर हो ड्रेस निर्धारित किया गया है। अरहर और गेहूं की कीमतों पर काबू रखने के लिए स्टॉक सीमा तय। बिहार में बढ़ती महंगाई को देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति संरक्षण विभाग के द्वारा राज्य क्षेत्र के लिए दालों विशेषकर अरहर और उड़द की कीमतों पर लगाम लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए खुदरा थोक दोनों कारोबारियों चैन रिटेलर्स और मिलर के लिए स्टॉक सीमा तय कर दिया गया है, जिसकी अवधि 31 अक्टूबर तक के लिए निर्धारित की गई है। बता दें कि इसको लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भारत सरकार के द्वारा गेहूं के लिए भी स्टॉक सीमा तय कर दी गई है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए निर्धारित की गई है। बता दें कि जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार थोक विक्रेता के लिए अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा 200 टन और खुदरा कारोबारियों के लिए 5 टन, बिग चेन रिटेलर्स के लिए 5 टन और डिपो में 200 टन निर्धारित किए गए हैं। वहीं व्यापारिक थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा 3000 टन, रिटेल बिग चेनर रिटेलर्स के प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन, उनके डिपो के लिए गेहूं की सीमा 3000 टन और प्रोसेसर्स के लिए यह सीमा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75% या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को वर्ष 2023-24 के शेष महीनों से गुना करके जो भी कम हो तय की गई है। 17 मिनट फास्ट हुई बिहार पुलिस। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि अब बिहार पुलिस पहले की तुलना में 17 मिनट फास्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस सूचना मिलने के 51 मिनट के अंदर कार्रवाई करती थी, वहीं अब यह समय घटकर 34 मिनट हो गई है। बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्रवाई के समय में यह कमी इमरजेंसी कॉल 112 के जरिए आई है। मालूम हो कि अब तक 112 के जरिए पुलिस के द्वारा 4,50,000 कॉल पर कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि इस नंबर पर किसी भी तरह की आपात स्थिति में कॉल किया जा सकता है। इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 1 साल पहले की गई थी। राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा पाएं ऐसे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस बारे में आईपीआरडी बिहार की ओर से एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई है। मालूम हो कि इस पोस्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में 6 सितंबर से राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें अब तक 12,000 से अधिक रैयतों के घर तक राजस्व नक्शों को सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में राज्य के सभी रैयतों से अनुरोध है कि ऑनलाइन विधि से राजस्व नक्शों का ऑर्डर देकर घर बैठे अपने गाँव का नक्शा प्राप्त करें। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही आप भीड़ भाड़ एवं काउंटर पर लाइन लगने से बच सकेंगे। नक्शों को ऑनलाइन मंगाने के लिए www.dlrs.bihar.gov.in पर जाकर वहां दिए गए अनुदेशों का पालन करें। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामरेखा घाट के बारे में। रामरेखा घाट बक्सर जिले में स्थित बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो रामायण काल से जुड़ा है। गंगा नदी के किनारे इस घाट के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है कि जब तारका वध के बाद प्रभु श्री राम पर स्त्री वध का पाप लगा और उस पाप मुक्ति के लिए वो वही नजदीक गंगा तट पर आए और स्नान किया। उसी घाट के समीप प्रभु श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाए, पूजा अर्चना की, फिर शिवलिंग को जल स्नान करने लगे तो मिट्टी कच्ची होने के कारण बहने लगी तो श्री राम ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया, फिर जल स्नान कराया, परंतु हाथ हटाने पर प्रभु श्री राम के हाथों की रेखा शिवलिंग पर अंकित हो गई और साथ ही उनके पैरों के निशान वहां की मिट्टी पर छप गए। रामरेखा घाट पे शिवलिंग आज भी अस्तित्व में है। यह घाट अपने आप में भक्ति और श्रद्धा के भाव को दर्शाता है। श्रद्धालु हमेशा से इस पावन भूमि पर आते हैं और पूजा करते हैं। सहकारी बैंकों में 129 करोड़ लोन की राशि हुई एनपीए। बिहार के सहकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। दरअसल बिहार के सहकारी बैंकों के द्वारा ऋण का लगभग 129 करोड़ रकम नियमों
को अनदेखी कर एनपीए कर दिया गया है। बता दें कि इनमें बिहार के जो जिले टॉप पर आते हैं वे खगड़िया, मोतिहारी, बेगूसराय व वैशाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनपीए करने को लेकर आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार कुल ऋण का 5% ही एनपीए होना चाहिए, वहीं शेष रकम की वसूली करनी है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के इन जिलों को निर्देश दिया गया है कि वह 5% तक एनपीए का आंकड़ा लेकर आए। मालूम हो कि राज्य के अन्य जिलों के द्वारा भी 10% तक ऋण को एनपीए कर दिया गया है। सचिव ने इसमें भी सुधार करने का निर्देश दिया है। बिहार के इन संस्थानों को मिली C2S योजना की शुरुआत करने की जिम्मेदारी। इन दिनों भारत सहित देश के अन्य कई देशों में चिप का संकट बना हुआ है। ऐसे में देश को सेमी कंडक्टर का हब बनाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से देश के 103 शैक्षणिक संस्थानों को चिप टू स्टार्टअप यानी कि C2S योजना को शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि देश के इन 103 शैक्षणिक संस्थानों में से बिहार के भी कुछ शैक्षणिक संस्था है जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें IIT पटना, NIT पटना और IIIT भागलपुर के नाम शामिल है। मालूम हो कि इस कार्य को करने के लिए संस्थान को 46 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। वहीं इसके निर्माण के लिए इंजीनियरिंग के चयनित छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि अब तक यह तय नहीं किया गया है कि छात्रों का चयन कैसे किया जाएगा। आपदा में मदद पहुंचाने के लिए 6500 लोगों को मिल रही ट्रेनिंग। बिहार में आपदा के दौरान लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के 6500 लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें ट्रेनिंग देने के बाद आपदा मित्र के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि इन 6500 लोगों में से विभाग की ओर से 4000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, वहीं बाकी बचे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मालूम हो कि प्रत्येक आपदा मित्र को तैनाती की अवधि में 1200 रुपए देने की योजना बनाई गई है। हालांकि फिलहाल उन्हें अभी प्रतिदिन 400 रुपए दिए जा रहे हैं। बता दें कि इन सभी आपदा मित्रों को 12 दिनों के लिए सैन्य ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही इस दौरान आपदा मित्रों को प्राथमिक उपचार की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं ट्रेनिंग के बाद इनका पूरा रिकॉर्ड DM के पास होगा और इनकी तैनाती जरूरत के अनुसार गृह नगर में की जाएगी। इन सबके अलावा आपदा मित्र का ट्रेनिंग के बाद 3 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा और साथ ही उन्हें 5000 का किट भी मिलेगा। प्रदेश में दिख रहा मॉनसून का असर। बिहार में मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा मौसम को लेकर जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 28 जून की बात करें तो IMD बिहार के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में इस प्रकार की स्थिति 30 जून तक बने रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून राज्य में अपने निश्चित गति से आगे बढ़ रहा है, इससे लोगों को भीषण गर्मी थोड़ी कम महसूस हो रही है लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। बिहार के इस युवक का नाम शामिल हुआ फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में। बिहार का एक ऐसा युवक जिसने केवल 29 साल में ऐसा काम करके दिखाया है जिससे उसका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल हो गया है। बता दें कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम मिसबाह अशरफ है और यह बिहार के नालंदा का रहने वाला है। दरअसल मिसबाह अशरफ ने 2463 करोड़ रुपए की फिटनेस कंपनी को खड़ा कर दिया है। मालूम हो कि फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में शामिल होने वाले मिसबाह अशरफ बिहार के इकलौते युवा हैं। बता दें कि वर्तमान में जार के एक्टिव यूजर कश्मीर से अंडमान निकोबार तक फैले हुए हैं। वही कंपनी अगले 5 सालों में यूजर्स बेस को बढ़ाकर 5 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है। व्यक्तिगत नलकूप लगाने पर अधिकतम 40,000 रुपए अनुदान का प्रावधान। बिहार सरकार की ओर से बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर दी गई है। दरअसल राज्य के वैसे किसान जो व्यक्तिगत नलकूप लगवाते हैं उन्हें बिहार सरकार की ओर से व्यक्तिगत नलकूप लगाने पर अनुदान के रूप में अधिकतम 40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। बता दें इस बात की जानकारी IPRD बिहार के द्वारा पोस्ट शेयर कर दी गई है, जिससे यह जानकारी निकलकर सामने आती है कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई अपनाने वाले कृषक को व्यक्तिगत नलकूप लगाने पर अधिकतम 40,000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान horticulture.bihar.gov.in पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान कॉल सेंटर में 1800-180-155 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 की हुई शुरुआत। बीते दिन यानी कि 26 जून से बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 9 जुलाई 2023 तक चलने वाली है। बता दें कि बिहार मेगा फूड एक्सपो का आयोजन बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा किया गया है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में आयोजित किया गया है। अगर आप इस बिहार मेगा फूड एक्सपो में शामिल होना चाहते हैं तो बता दें कि इसमें शामिल होना बिल्कुल निःशुल्क है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 400 से अधिक फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चर
अक्षर ने भाग लिया है। मालूम हो कि इस आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों के द्वारा अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बता दें कि यहां राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। राज्य के 27 स्कूल और कॉलेजों का इंटर कोड रद्द। बिहार बोर्ड की ओर से राज्य के 7 जिलों के 27 स्कूलों और कॉलेजों के इंटर के कोड को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 27 स्कूल और कॉलेज राज्य के जिन 7 जिलों में आते हैं उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत गया, कटिहार, सीतामढ़ी, सारण, पश्चिम चंपारण और वैशाली जिला के नाम शामिल है। मालूम हो कि स्कूलों और कॉलेजों के इंटर के कोड को रद्द होने को लेकर अगर बिहार बोर्ड की माने तो नामांकन से पहले इन स्कूल और कॉलेजों की सूची OFSS वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, लेकिन फिर कई वजहों से इनके कोड को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से राज्य के 25 स्कूल और कॉलेजों को स्वीकृति भी दी गई है और इनकी जानकारी OFSS वेबसाइट पर डाल दी गई है। मालूम हो कि सभी 25 स्कूल बिहार के जिस जिले से आते हैं उनमें पूर्वी चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सीतामढ़ी, गया, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, शेखपुरा और कैमूर के नाम शामिल हैं। अमित शाह के बिहार दौरे पर जेडीयू नेता का तंज। 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लखीसराय में स्थित गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बिहार दौरे को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा तंज कसते हुए कहा गया है कि 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार घूमने आ रहे हैं। उनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री व जेडीयू नेता श्रवण कुमार के द्वारा भी तंज कसते हुए कहा गया था कि अमित शाह लखीसराय आए या बढ़िया या मुफेड़ मुंगेर आए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश के नेतृत्व में भाजपा के लिए दवा तैयार करवाया जा रहा है जिसका एक एक खुराक मिलेगा और फिर भाजपा 2024 में कहां रहेगी इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर तंज। बीते दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा एक दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंचे, जहां उन्हें राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा आम और लड्डू से तोला गया। वहीं इस दौरान सम्राट चौधरी के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से खोखले हो गए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। लालू के पास कुछ वोट है, उसी के बल पर वो दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई महागठबंधन दिखने वाला नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरी की पूरी 40 सीट जीतने वाली है। बिहार को बर्बाद करने के लिए एक नेता ने जो काम किया है वह नीतीश कुमार है। रोहित के बाद टीम इंडिया के कप्तान को लेकर सुनील गावस्कर ने इन खिलाड़ियों पर लगाया दांव। एक तरफ जहां T20 विश्व कप में मिली हार के बाद से रोहित शर्मा की कप्तानी की जमकर आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस कड़ी में भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के द्वारा 3 खिलाड़ियों पर दांव लगाया गया है जिनके हाथों में रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया की कमान सौंपी जा सकती है। दरअसल स्पोर्ट्स टुडे के साथ बातचीत करने के दौरान सुनील गावस्कर के द्वारा कहा गया कि अजिंक्य रहाणे को उप कप्तान बनाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक युवा खिलाड़ी को तैयार करने का आपने मौका गवा दिया। कम से कम एक यंग प्लेयर को बताइए कि हम आपके अंदर भविष्य में कप्तान बनने की काबिलियत देख रहे हैं। ऐसे में वो एक लीडर की तरह सोचना तो शुरू करेगा। एक शुभमन गिल और दूसरा नाम अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर के पास काबिलियत है और वह हर मैच के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। अगर उनको उपकप्तानी सौंपी जाती है तो वह इसको लेकर सोचना शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से यह 2 विकल्प अच्छे होंगे। अगर आप औरों की बात करेंगे तो ईशान किशन भी एक विकल्प हो सकते हैं, जब वह टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे तब। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत व पाकिस्तान ने 2008 में ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया। भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत राय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 1838 में हुआ। तमिल भाषा के साहित्यकार अकीलन का जन्म 1922 में हुआ। भारतीय पत्रकार पूर्णिमा वर्मन का जन्म 1955 में हुआ। हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म 1939 में हुआ। उड़न परी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पीटी उषा का जन्म 1964 में हुआ था। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराज रंजीत सिंह का निधन 1839 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे MQ-9B ड्रोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे MQ-9B ड्रोन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साकेत गोखले ने MQ-9B ड्रोन के अधिग्रहण को लेकर दावा किया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है, यह अमेरिकी सरकार द्वारा उद्धृत कीमत है। कीमत और खरीद की शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और ये बातचीत के अधीन है।
व्हाट्सएप के ऑनलाइन स्टेटस को छुपाए ऐसे। अगर आप भी चाहते हैं कि जब आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो और आपको कोई ऑनलाइन ना दिखे, तो व्हाट्सएप आपके लिए एक फीचर ला चुका है। बता दें कि इस फीचर के तहत आप चाहे तो सभी से अपने ऑनलाइन स्टेटस हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लोग आपका ऑनलाइन स्टेटस देख सकेंगे और कुछ नहीं। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब ऊपर दिखाई दे रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को लास्ट सीन दिखाना चाहते हैं तो माई कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें। आप माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट पर क्लिक कर चुन सकते हैं कि आप किसे लास्ट सीन शो करना चाहते हैं। इसके अलावा एक नो बॉडी का ऑप्शन भी है। अब आपको आगे क्या करना है, नीचे दिखाई दे रहे ऑनलाइन वाले ऑप्शन में सेम एज लास्ट सीन पर क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। मनीष कश्यप को बिहार लेकर नहीं पहुंची चेन्नई पुलिस। बीते दिन ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि मनीष कश्यप बिहार आ सकते हैं। दरअसल कल यानी कि 26 जून को मनीष कश्यप को बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पेश होना था, इसलिए कोर्ट की ओर से मदुरई पुलिस को हर हाल में मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी चेन्नई पुलिस मनीष कश्यप को लेकर बिहार नहीं पहुंची। वहीं मनीष कश्यप के कोर्ट में पेश न होने पर सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से मदुरई कोर्ट के खिलाफ अवमानना का मामला बनाने का अनुरोध किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनीष कश्यप पिछले 3 महीने से तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद हैं। बीते दिन मदुरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मदुरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, राहुल कुमार, अतीक खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, सदुल्लाह पलवी, कृष्ण कुमार यादव, राजकिशोर महतो, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, कुमारी संजना, शिव चौधरी, विद्यासागर, मंटू कुमार, कन्हैया कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से बिहार के लोगों को कितना फायदा मिलेगा। अपना जवाब हमें वाड़े कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।